हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पेशल फूड ऑफिशियल। सो गाइस, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल का मिक्स वेज करी आप घर में या आपका गांव में कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि चैनल में हमेशा कुकिंग का वीडियो आता रहता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिक्स वेज का करी बनाने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल। मैं वेजिटेबल में लिया हूँ दो आलू, छोटा साइज का गाजर, एक छोटा साइज का गोभी, एक कैप्सिकम और थोड़ा सा बीन्स, 100 ग्राम का पनीर और फ्रेश मटर। मिक्स वेज का ग्रेवी बनाने के लिए मैं लिया हूँ दो बड़ा साइज का प्याज, एक बड़ा साइज का टमाटो, थोड़ा सा अदरक और 10 से 12 पीस लहसुन। वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए मैं प्यान में डाल दिया हूँ 3 से 4 स्पून ऑयल और अभी तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तेल अभी गर्म हो गया है, अभी डालेंगे पहले गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ा तीग होता है, इसलिए पहले उसको डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे आलू। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद अभी डाल देंगे बीन्स, अभी डाल देंगे गोभी। गोभी को कुछ देर पकने के बाद अभी वेजिटेबल हमारा फ्राई हो चुका है। अभी मैं एक साइड करके इसका ऑयल थोड़ा निकाल दूंगा और वेजिटेबल को एक बर्तन में निकाल देना है। फ्राई करने के बाद जो तेल बच जाएगा उसमें हम डाल देंगे खाड़ी जीरा और अब डालना है कटा हुआ अदरक और लहसुन और कुछ टाइम के लिए इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है और हल्का हाथ से थोड़ा सा चलाना है इसको। और अब डाल देंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। अब प्याज ब्राउन कलर हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें टमाटो। टमाटो थोड़ा गलने के बाद उसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून जीरा पाउडर और उसमें डाल देना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर लेना है। करी का कलर थोड़ा लाने के लिए इसमें यूज करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली पाउडर और एक बार अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी करी का ग्रेवी मसाला बनके तैयार हो गया है और इसको अभी एक प्लेट में निकाल देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक के लिए हम पैन में थोड़ा सा तेल डाल के पनीर को फ्राई कर लेना है। अभी हमारा पनीर फ्राई होके रेडी हो गया है, इसको एक बर्तन में निकाल देना है। अभी मसाला को ग्राइंड करने के लिए मैं लाया हूँ ग्राइंडर का जार और इसमें हम डाल देंगे मसाला और इसका ऊपर डाल देंगे 10 से 12 फ्राई किया हुआ काजू और इसको पेस्ट करने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। अभी मसाला पेस्ट होके रेडी हो गया है और करी बनाने के लिए प्यान में तेल के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन। मक्खन और तेल गर्म होने के बाद डालेंगे थोड़ा सा खाड़ी जीरा। जीरा लाल होने के बाद इसमें हम डालेंगे मिक्स वेज का जो जान होता है, दो लाल मिर्ची। गैस को स्लो करके इसको थोड़ा सा भूनना है और इसमें डाल देना है 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसको अच्छा से तेल और बटर के साथ में मिक्स कर लेना है और इसमें ऐड करना है हमारा पेस्ट किया हुआ मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है।
अभी आपका इजी मिक्स वेज का करी बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी पत्ता। तो फाइनली अभी आपका टेस्टी और फटाफट से मिक्स वेज का करी बन के तैयार हो गया है। और इसका ऊपर अभी मैं डाल दे रहा हूँ हरी धनिया। तो इसी प्रकार आप मिक्स वेज का करी को 20 से 25 मिनट का अंदर में बना सकते हैं। और ये जो मिक्स वेज का करी बहुत टेस्टी रहता है। सो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।